नर्स प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर में एडमिशन कैसे ले, कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर ये कोर्स होता है, इसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, कौन कौन से मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं नर्स प्रैक्टिशनर क्रिटिकल केयर करने वाले, कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट लिख सकते हैं। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पर हैं। हेलो इंटेलिजेंट पीपल, स्वागत है आपका दिशा निर्देश की इस वीडियो में। इस वीडियो में जो मेनली है, हम नर्स प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर के बारे में हर चीज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि हमने पहले वीडियो में ही डिस्कस कर लिया है कि ये कब आया, क्या इसके बेनिफिट्स है, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूँ। इसे नर्स प्रैक्टिशनर एक कोर्स है, ठीक है, उसका स्पेशलाइजेशन हो गए क्रिटिकल केयर, मिडवाइफरी। तो इस वीडियो में हम मेनली जो है वो क्रिटिकल केयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसको करने के क्या क्या फायदे हैं, ये तो आपको पता ही है कि इसमें मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखने की अथॉरिटी मिलती है, प्रोसीजर्स इंडिपेंडेंटली करने के अथॉरिटी मिलती है। ये सब चीजें आप जानते ही होंगे कि नर्स प्रैक्टिशनर से ये सब चीजें होती है, ठीक है। पर इसको कर कौन सकता है, जैसे कि कोर्स होती है उसकी क्या एलिजिबिलिटी रहती है, तो इसकी एलिजिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द आईएनसी आपका बीएससी नर्सिंग कंप्लीटेड होना चाहिए विद 55% ऑफ द मार्क और 1 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपको चाहिए। उसके साथ साथ ही ऐसे इंस्टीट्यूशन से आपने किया हुआ होना चाहिए जो आईएनसी से एफिलिएटेड हो, जैसे कोई भी लोग होते हैं ना जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएशन जिसका होता है उससे वो कर लेते हैं। तो आपका जो कॉलेज है जहां से आपने बीएससी नर्सिंग किया है वो आईएनसी से एफिलिएटेड होना चाहिए। ये इसका जो आईएनसी ने रेगुलेशन दिए हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करने के, उसमें ये मेंशनड है, ठीक है। उसके बाद जो सिलेक्शन होगा आपका, वो आईएनसी कहता है कि वो एंट्रांस बेस पे होना चाहिए, एंट्रांस बेस या इंटरव्यू बेस्ड होना चाहिए, एंट्रांस या इंटरव्यू होना चाहिए, दो चीज़ें होनी चाहिए उसमें। देखिए, या तो आपका डायरेक्ट बीएससी किया है 55% मार्क है, तो आपका प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो डायरेक्ट इंटरव्यू के मेथड से ही एडमिशन ले लेते हैं, पर जब आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ जाते हो तो वहां पर आपको एंट्रांस पास करना बहुत ही कंपलसरी होता है। तो आगे की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से एंट्रांस होते हैं जिसको दे करके आप नर्स प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर का कोर्स कर सकते हो। अब देखिए, इस कोर्स को डिजाइन भी इसी प्रकार से किया गया है जिसमें थ्योरी मात्र 15% है, 15% ओनली थ्योरी है इसमें, और प्रैक्टिशम यानी कि क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है आपका 85% है और जो आपका थ्योरी है वो मात्र 15% है। तो सारा का सारा फोकस जो है वो कहाँ होने वाला है आपका, आपका क्लिनिकल बेस्ड होने वाला है, क्लिनिकल बेस्ड। और इसका मकसद भी यही है कि ऐसे नर्स प्रैक्टिशनर को तैयार करना जो क्रिटिकल सिचुएशंस में देख सके, जैसे आईसीयू की बात करें, आईसीयू में वो सही से जो पेशेंट होते उसको केयर दे सके, केयर मतलब उसका जो इमरजेंसी में कोई ड्रग प्रिस्क्रिप्शन कर सके, कौन सी ड्रग कब प्रिस्क्राइब करनी है वो डिसाइड कर सके वो, तो ये सब चीज़ों के लिए आपको तैयार किया जाएगा। तो मेनली इसका 85% जो है क्लिनिकल प्रैक्टिस है और 15% मात्र इसका जो है वो थ्योरी है। अब इन चीज़ों के बारे में हमने डिसाइड कर लिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात कर लिया और हमने ये कोर्स का सिलेबस मेंशन कर लिया। अब सिलेबस मैं डीपली नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, इस प्रोग्राम को करने के बाद मेनली मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एनपीसीसी की बात कर रहा हूँ, नर्स प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर की बात कर रहा हूँ। तो मेनली इसको करने के बाद ये सारे ड्रग्स आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। एक्चुअली आपको तो पता ही है कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की भी अथॉरिटी है, डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑर्डर करने की अथॉरिटी है, थेरेपीज दे सकते हो आप, इंडिपेंडेंटली ऑर्डर कर सकते हो उसको, प्रोसीजर्स इंडिपेंडेंटली कर सकते हो और उसके लिए ऑर्डर भी आप दे सकते हो, सेंट्रल लाइन डालना, ये सब सारी चीज़ें आप कर सकते हो। पर जो कौन कौन सी ऐसी ड्रग है जो आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो, तो उसकी लिस्ट बहुत लंबी है, मैं 2-4 ही ड्रग्स के बारे में आपको बताऊंगा, जैसे एड्रेनलिन है, नोर एड है, ये सारा चीज़ आप कर सकते हो। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ज़रूर डाउनलोड करें और इसको एक बार पढ़ें, आपको बहुत ही आसानी से ये सारी चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि सारा चीज़ जो है मैंने खुद बनाया है, इसको एक एक करके बनाया, ठीक है। और जो मेरा पूरा का पूरा सोर्स है वो मैंने आईएनसी के जो गैजेट नोटिफिकेशन है वहाँ से मैंने लिया है, जैसे कि एडनोसाइन आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो, आप एबिल प्रिस्क्राइब कर सकते हो, डेक्सामिथाजोन कर सकते हो आप, ये सारा फेंटोइन कर सकते हो, ये सारा ड्रग आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। हालांकि ये लिस्ट बहुत लंबी है तो मैं इतना डीपली इसके अंदर नहीं जाऊँगा। अब बात करते हैं हम कौन कौन सा थेरेपीज या इन्वेस्टिगेशन के लिए आप ऑर्डर दे सकते हो, तो एबीजी के लिए दे सकते हो, ईसीजी के लिए दे सकते हो, नेबुलाइजेशन आप प्रोसीजर्स के लिए ऑर्डर दे सकते हो, चेस्ट फिजियोथेरेपी के लिए दे सकते हो, डिजिटल कोलोस्टोमी वॉश जो होता है उसके लिए आप ऑर्डर कर सकते हो, एक्सरे के लिए भी आप जो हो वो ऑर्डर कर सकते हो, डायग्नोस्टिक टेस्ट जब लिखते हैं तो वो आप एक्सरे के लिए भी लिख सकते हो, ठीक है।
टेस्ट फीड्स के लिए भी कर सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी इन्वेस्टिगेशंस जो होते हैं उसके लिए भी आप ऑर्डर कर, बायोकेमिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन जैसे HB हो गया, PCB हो गया, HbA1c हो गया, ये सारा चीज़ आप HDL, LDL ये सारा चीज़ के लिए आप ऑर्डर कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक जो फिजिशियन जितने भी जो डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखते हैं वो यहाँ पर उतना तो नहीं कह सकते, पर बहुत सारा यहाँ पर दिया हुआ है और ये कहीं ना कहीं नर्सेज को इम्पावर करने की तरफ है, नर्सेज को एम्पावर करने के लिए ये कोर्स को ही लॉन्च किया गया है। और इस कोर्स को एम्पावर करने के लिए जितने भी सारे नर्सेज हैं सबको आगे आना पड़ेगा, और आगे आकर के अगर जब इस कोर्स को सारे लोग करेंगे तभी तो इसका मॉडिफिकेशन होते रहेगा और आपको अथॉरिटी भी ज़्यादा ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि अभी आप क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते, मतलब इंडिपेंडेंटली कोई क्लिनिक नहीं खोल सकते, पर आगे के समय में आप क्लिनिक खोल सकते हो। क्यों, अगर ज़्यादा लोग इसको करेंगे और दिखाएंगे कि ये जो कोर्स है ये बहुत अच्छे से चल रहा है और जो यहाँ से जो नर्स प्रैक्टिशनर तैयार हो रहे हैं वो बहुत अच्छे तरह से इफेक्टिव वे से जो है वो इस कोर्स को करने के बाद केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। जो अब हमारा सबका मकसद क्या है, डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन सबका मकसद ये है कि हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करना। तो नर्स प्रैक्टिशनर भी कहीं ना कहीं इसीलिए भी लॉन्च किया गया क्योंकि हेल्थ केयर को हमें मजबूत करना है। और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रोग्राम है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड मतलब हो गया कि ये सारा चीज़ तो आप देख रहे हो ना, ये सारा चीज़ देख रहे हो आप, पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब हुआ कि जैसे कि ECG है, ECG कर रहे हो आप, ABG के लिए ऑर्डर करा सकते हो। अब एयरवे को भी मैनेज करने, जैसे कि इंट्यूबेशन होता है वो डॉक्टर्स ही करते हैं, पर अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड कहने का मतलब ये कि अगर आपका इंस्टीट्यूशन जहाँ पर आप काम कर रहे हो, हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, हॉस्पिटल में अगर जो काम कर रहे हो वो आपको अथॉरिटी दे सकते हैं कि आप इंट्यूबेशन भी कर सकते हो, इंट्यूबेट भी कर सकते हो आप, ठीक है, वीन भी कर सकते हो, रिमूव और इंसर्ट सेंट्रल लाइन ये भी आप कर सकते हो। ये काम कौन देगा ऑर्डर, ये आपको इंस्टीट्यूशन देगा और जहाँ जो अस्पताल में आप काम कर रहे हो वो आपको ये ऑर्डर देते हैं कि आप ये कर सकते हो। अब ये भी कैसे होगा, जैसे कि मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रोग्राम है तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब क्या हुआ कि आप दिखा रहे हो कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मैं एक्सपर्ट हो चुका हूँ, तो आपको हायर प्रोसीजर्स आपको दिया जाएगा करने के लिए। तो यही है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्या होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज आप अगर आप देखोगे इस PDF को एक बार तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके फ्यूचर्स प्लान क्या है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है इसके, ठीक है, ये भी अब जान लेते हैं। देखिए, जो एम्स गुवाहाटी ने बताया है कि वो जो है फ्यूचर में नर्स प्रैक्टिशनर कोर्स को लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। दूसरी बात हम चले एम्स देवघर की बात करें तो उन्होंने भी कह रखा है अपने फ्यूचर प्लान्स में कि वो जो फ्यूचर में है वो नर्स प्रैक्टिशनर कोर्स को लॉन्च करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एम्स में अगर ये कोर्स आ जाती है, एम्स में अगर ये कोर्स आ जाती है और फ्यूचर प्लान्स में अगर इन्होंने ये बताया है कि मैं इसको लॉन्च करने हम इसको लॉन्च करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ज़रूर ये आएगी। एम्स देवघर की बात हो गई, ऋषिकेश ने भी ये बताया है कि यहाँ पर जो है हम फ्यूचर में नर्स प्रैक्टिशनर क्रिटिकल केयर या नर्स प्रैक्टिशनर के अदर्स कोर्स जितने स्पेशलाइजेशन कोर्स जितने हैं वो हम लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद एम्स देवघर हो गया, ऋषिकेश हो गया, गुवाहाटी हो गया, ये सारे इनके फ्यूचर प्लान्स हैं। और भी कई सारे हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर इसको कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और इस कोर्स को चालू किया जाए। और हम बात करते हैं कि कॉलेजेस कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर हम एडमिशन ले सकते हैं। अब मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ, एडमिशन लेने के सिंपल तरीका है, क्या करना है आपको, PDF लिस्ट में जो मैंने कॉलेजेस का दिया है वहाँ पर जाना है। जैसे कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस है, यहाँ पर हम जाएंगे, इसको कॉपी किया मैंने, ठीक है, कॉपी लिस्ट से आपको कॉपी कर लेना है। फिर आपको क्रोम पे जाना है, क्रोम पे आप जाओगे, ठीक है, और अब हमारे पास आ गया ये कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस कराड़। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालना है इसका। प्राइवेट कॉलेजेस हैं यहाँ पर, इनको एडमिशन चाहिए ही होता है, मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ आपको। तो आपको करना क्या होता है, इसके कॉन्टैक्ट्स निकालने होंगे हमें। अब यहाँ पर एडमिशन्स के रिगार्डिंग आपको जो है कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे और आप इस कॉन्टैक्ट्स पे अगर बात करते हो तो आपको आसानी से सारा का सारा प्रक्रिया मिल जाएगा कि आपका एडमिशन कैसे हो गवर्नमेंट कॉलेजेस की, उसके एडमिशन की क्या तरीका है। जैसे मेरे पास आता है, ये आप अगर देख पा रहे होंगे, कॉलेज ऑफ नर्सिंग PTBD शर्मा है, ये हमारा है, रोहतक हरियाणा में है। तो इसको कैसे एडमिशन का इसका प्रोसेस है, तो इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है, आप इसको भी कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे कि इसका आप इसको आप इसके वेबसाइट पे जाओगे और पता करोगे कि इसका एडमिशन कैसे होता है। अब मैंने पता किया है इसका कि एडमिशन कैसे होता है, तो और क्रोम ब्राउज़र पे जब मैंने पेस्ट किया तो मुझे पता चला
कि इसका जो एडमिशन होता है वो सीईटी के थ्रू होता है। सीईटी क्या है? अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, वो हरियाणा गवर्नमेंट खुद लेती है वेरियस कोर्स में एडमिशन करने के लिए। तो जैसे मैं इसके वेबसाइट पे भी मैं आ गया हूँ, अगर आपको इस वेबसाइट का भी लिंक चाहिए तो मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। उसके वेबसाइट पे मैं आ गया, अब यहाँ पर है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा यूजी कोर्सेज बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल्स और नर्सिंग प्रैक्टिशनर नर्स प्रैक्टिशनर के भी है, और यहाँ पर पूरा का पूरा इसका नोटिफिकेशन खुल गया। तो इसी प्रकार से आपको पता करना होगा कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, ऐसे आप पता कर सकते हो। और कॉलेज लिस्ट कैसे निकाल सकते हो ये भी मैंने आपको बता दिया। हालांकि मैं इस जो कॉलेज का लिस्ट है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपको जैसे मैंने सर्च करने के लिए बताया उस प्रकार से आप सर्च कर लेना। इस प्रकार से आप सर्च करोगे तो आपको एडमिशन की सारी हेल्प मिल जाएगी और ऐसे आप एडमिशन ले सकते हो। मैं इसका भी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैंने कम समय में इसको सारा का सारा जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको मैंने कवर किया होगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।